अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं लौकी के कोफ्ते। जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये आधी किलो लौकी लिया है, इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है और इस तरह से आपको इसका पानी निचोड़ना है। अब मैंने एक कप बेसन लिया है, इसको मैंने तवे पर अच्छे से भून लिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और ये हरा धनिया लिया है। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, 1 कटी हुई प्याज ली है, बारीक काट ली इस प्याज को मैंने जिसे ऑमलेट में काटते हैं। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब ये जो कद्दूकस किया हुआ लौकी है, अब इन सब चीज़ों को इसमें मिक्स कर देंगे। अब हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और हम इन कोफ्तों को डीप फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, वरना आपके कोफ्ते अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जले जले से रहते हैं, तो इसलिए आप फ्लेम को कम ही रखें। अब आप इन कोफ्तों को अच्छे से सेकिए दोनों तरफ से, देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। चलिए अब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। 1 प्याज का पेस्ट बना लिया है मैंने, 2 टमाटर का पेस्ट भी बना लिया है, और 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है, कटा हुआ हरा धनिया है ये, 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच कसूरी मेथी है। अब मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, ये मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है, प्याज का पेस्ट डाला है, इसको अच्छे से भूनेंगे ये कच्चा ना रह जाए। इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। अब इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब मैं इसमें टमाटर मिलाऊंगी, अब इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से भुन चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी और नमक, इसे अच्छे से चलाएंगे। इसी में मैं पानी ऐड कर दूंगी, 250 ml मैंने इसमें पानी लिया है, इसको ऐड कर दूंगी इसी में, और इस पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे। इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भी। अब हम इसमें अपने कोफ्तों को ऐड कर देंगे, और कोफ्ते अब हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाने हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। देखिए कोफ्ते बनकर तैयार हैं, अब हम इन्हें हरे धनिये के साथ में गार्निश करेंगे। इसको रोटी या चावल के साथ सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।